अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीयू एक्सीलेंस के साथ एक बार फिर आज हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स के लिए कितना जो है वो स्पेशल काम किया है। जिस तरह के आप लोग मतलब कि प्रीवियस आप लोगों ने प्रीवियस सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट था उसमें स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ये था कि उनका रिज़ल्ट जो है वो ठीक नहीं आया और उनका जो है वो क्या उसका नाम है वो ठीक तरीके से उनको मार्क्स नहीं दिए गए, क्या है और क्या नहीं है। अच्छा, इसमें ये है कि उन्होंने आप लोगों को जो है वो 3 से 4 फैसिलिटीज़ दी हैं। ठीक है, उन फैसिलिटीज़ को मैं यहाँ पर जो है वो पेंट के ऊपर लिखता हूँ आप लोगों के पास ताकि आप लोगों को पता चल जाए। उन्होंने इस तरह है कि उन्होंने आप लोगों को जो है वो सबसे पहले जो फैसिलिटी दी है वो उन्होंने ये दिया कि उन्होंने आपको जो है ना वो मॉडल पेपर दे दिए हर सब्जेक्ट के। ठीक है, मॉडल पेपर्स जो हैं वो आप लोगों के, अब ये नहीं कि मैं यहाँ पर बताऊं किसका मॉडल पेपर आ चुका है और किसका मॉडल पेपर नहीं आया। मोस्टली सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर जो है वो उन्होंने अपलोड किए हैं, अनाउंसमेंट में आप लोग जाके देख सकते हैं। जिस तरह CS के कुछ सब्जेक्ट्स के उन्होंने अपलोड किए हैं, इसके अलावा जो है वो काफ़ी जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके भी जो है वो उन्होंने अपलोड किए हैं अपने पोर्टल के ऊपर, या आप लोग वहाँ पर देखें उस पर। ठीक है, इसके बाद उन्होंने ये किया है कि उन्होंने आपको हर सब्जेक्ट का जो पेपर पैटर्न है वो उन्होंने जो है वो बता दिया है। ठीक है, मतलब कि पेपर पैटर्न जो है ठीक है, पेपर पैटर्न जो है वो उन्होंने बता दिया है हर सब्जेक्ट का। जैसे कि लेट्स सपोज, जैसे कि उन्होंने बताया आप लोगों के पास कि आप लोगों के पास जो पेपर है वो 80 मार्क्स का होगा, फाइनल टर्म का पेपर। ठीक है, 80 मार्क्स का आप लोगों के पास होगा, जिसमें से 50% आप लोगों के पास जो है वो कंसिस्ट करेगा MCQs के ऊपर और 50% जो है वो कंसिस्ट करेगा आप लोगों के पास सब्जेक्टिव के ऊपर। ये है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो थॉरली जो है वो MCQs पर ही मुश्तमिल होगी। ठीक है, और जो कि आप लोगों के पास रिमेनिंग 50% है वो आप लोगों के पास कंसिस्ट करेगा उसके ऊपर सब्जेक्टिव के ऊपर, जिसमें जो है वो आप लोगों के पास 2-2 नंबर के जो है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 3-3 नंबर के आप लोगों के पास 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 5 नंबर के भी हो सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन और 10 नंबर के भी हो सकते हैं रिमेनिंग आप लोगों के पास। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों को ये भी अनाउंस करना था कि हम लोगों ने जो है वो प्रीवियस किया है अपना पास्ट पेपर्स जो हैं वो बनाए हैं। अगर किसी को चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में हमारे पास कमेंट कर सकता है। हमने पास पेपर्स जो है ना वो पिछली और पिछले सेमेस्टर के जो है वो इकट्ठे किए हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स वगैरह भी, तो वो हमारे साथ जो है वो रब्ता कर सकता है। और पासिंग क्राइटेरिया क्या उन्होंने लो किया है वो मैं अपनी जो है वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो मुझे आप लोगों को बताना है प्रॉपर एक रिसर्च के साथ। फ़िलहाल ये न्यूज़ आप लोगों के लिए ये बिल्कुल है कि उन्होंने आप लोगों के पास जो पासिंग क्राइटेरिया है उसको बिल्कुल लो कर दिया है। ठीक है, तो मतलब कि पहले से कम कर दिया ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने काफ़ी लास्ट टाइम एहतजाज किया था और काफ़ी जो है वो एक मतलब कि एक तरह का अनसर्टेनिटी जो है वो क्रिएट हुई थी। तो आप लोगों के लिए जो भी है वो मैं आप लोगों को पासिंग क्राइटेरिया इस मुझे पता है बिल्कुल कि उसने कितना उन्होंने कितना कम कर दिया है, लेकिन अभी मैं इसको 100% कन्फर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर सुनिएगा, उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि इस बार जो है जो फाइनल टर्म पेपर होने जा रहे हैं उसमें उन्होंने पासिंग क्राइटेरिया को जो है वो कितना कम कर दिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और लाइक भी किया होगा और हमें आप सुनते भी होंगे। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।